रैशनल नंबर में जो मैंने पिछली वर्कशीट दी थी उसके कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट थे, वही वाले क्वेश्चंस बता रहा हूं। सपोज एक क्वेश्चन है 7/11 × 5/4, फर्स्ट क्वेश्चन था ये। इसमें हमें रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, सिंपल है। ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे को नीचे वाले से। लेकिन यदि ऊपर नीचे कहीं कुछ कैंसिल हो रहा हो, कहीं कुछ कट सकता हो, तो उसको काटना है। पर अभी तो दिख रहे हो 11 और 5, 7 और 4 कट ही नहीं सकते, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना। 7 × 5 = 35, 11 × 4 = 44, बस यही आंसर। कैंसिल हो नहीं सकता, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देना। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, −5/17 × 51/-60। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, ये प्लस हो गया। अब देखना है कहीं कुछ यदि कैंसिल हो सकता हो तो उसको काटना है। तो ये 5 से 60 कट जाएगा, 5 × 1 = 5, बचा 1 और 0 = 10, 5 × 2 = 10, 17 × 3 = 51, 3 से ये 12 कटेगा, 3 × 4 = 12, तो क्या बचा, सब कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1, नीचे 4 बचा, तो 1/4 आ गया आंसर। नेक्स्ट है −8/9 × 3/64। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था यदि कहीं कुछ कट रहा हो तो पहले काट दो। 3 × 3 = 9, ये कट गया, 8 × 8 = 64, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा मतलब 1, एक माइनस है तो −1, नीचे 3 × 8 = 24 आ गया आंसर, −1/24। एक और देखते हैं, क्वेश्चन है 28/8 × 2/5, −3/5 × −10/9। इसमें इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहां सिंप्लीफाई करना है तो देखना है ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, 2 × 4 = 8, ये कट गया, 4 × 7 = 28, तो ऊपर 7 आ गया नीचे 5, तो ये हो गया 7/5 माइनस। इधर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × 3 = 9 कट गया, 5 × 2 = 10, तो हो गया माइनस, और यहां ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, −2/3 ऐसा, तो ये हो गया 7/5, ये माइनस माइनस प्लस 2/3। अब इसको ऐड करना है, पर अपन को पता है कि यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक एडिशन नहीं हो सकता, तो पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। अपन ने पढ़ा उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं 5 और 3 का, 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3, तो एलसीएम हो गया 5 × 3, एलसीएम आ गया 15। अब जो दोनों का डिनोमिनेटर है उसको हमें 15 लाना है, इसको 15 लाना है तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, 5 × 3 = 15, यदि यहां 3 से इंटू कर रहे हो तो ऊपर भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो जो पहली वाली टर्म है वो हो गई 7 × 3/5 × 3, 15 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 से इंटू करें, यहां 15 लाना है तो 3 × 5 = 15, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
यहां करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो प्लस 2 इंटू 5, नीचे 3 इंटू 5, अब ये हो गया 7 3 21, नीचे 5 इंटू 3 15, ये 2 5 10, 3 5 15। अब देखो, अब डिनोमिनेटर सेम है 15, अब ऊपर ऐड हो जाएगा 21 प्लस 10 31, तो 31 अपॉन 15। अब ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही अपना फाइनल आंसर। आगे बच्चों समझ में? तो जब भी ऐसे ब्रैकेट में टर्म्स दिए होंगे तो पहले एक एक ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, उनके जो आंसर्स आएंगे उनको बीच में यदि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस है तो ऐड कर दो। इस तरह से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें दो की जगह तीन ब्रैकेट भी आ सकते हैं, तो पहले एक एक ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना, फिर जो भी बीच का साइन हो उसके अकॉर्डिंग उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। इसके कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करो, मैं और वर्कशीट में भी क्वेश्चंस दूंगा, उनको ट्राई करो। कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ। थैंक यू।